हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन टुडेज आईपी क्लास। हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डाटा स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, कलेक्शन ऑफ डाटाज, और उसके ऊपर हम ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। डाटा स्ट्रक्चर के टाइप्स देखे थे हमने कि पाइथन में पांडाज डाटा स्ट्रक्चर हैं। पांडाज डाटा स्ट्रक्चर टू टाइप्स के हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक है सीरीज, दूसरा है डाटा फ्रेम। सीरीज के बारे में हमने पढ़ा। सीरीज क्या होती है? सीरीज एक वन डायमेंशनल अरे होती है। सीरीज ये वन डायमेंशनल अरे कंटेनिंग ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी डाटा टाइप। सीरीज क्या है? एक वन डायमेंशनल अरे है जिसमें एक वैल्यूज की सीक्वेंस होती है, और वो किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। ऑफ एनी डेटा टाइप, किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। और उसमें जो उसका जो इंडेक्स होता है, लेबल जो होता है, वो लेबल बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट होता है। विच बाय डिफॉल्ट हैव न्यूमेरिक डाटा लेबल्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। जो डाटा लेबल होता है वो कहीं से स्टार्ट होता है? जीरो से, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ये हमने पढ़ा। एक सीरीज क्या है? वन डायमेंशनल अरे हैं, और ये सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को कंटेन करती है जो एनी डाटा टाइप की हो सकती है। ये चीज़ हमने पढ़ ली। उसके बाद में हमने देखा था कि सीरीज कैसे क्रिएट की जाती है, हाउ टू क्रिएट ए सीरीज। सीरीज कैसे क्रिएट की जाती है उसके बारे में हमने पढ़ा। और हमने कैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अपने को सीरीज क्रिएट करनी है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? पांडाज लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ यदि हम उसमें नंपाई फंक्शंस का भी यूज़ कर रहे हैं तो अपने को नंपाई लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इसको इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं इंपोर्ट, नंपाई को इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट नंपाई, पांडाज को इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट पांडाज। और यदि आप लाइस नेम लेना चाहते हो शॉर्ट में तो इंपोर्ट नंपाई एज, इंपोर्ट पांडाज एज। और फिर जैसे नंपाई को एन पी कर दिया, पांडाज को पी डी कर दिया। आप इसमें देख सकते हो ये इंपोर्ट पांडाज इसमें दिया हुआ है, इंपोर्ट पांडाज एज पी डी। ये क्या है? इंपोर्ट किया है, तो ऐसे हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हमने स्कालर वैल्यू से सीरीज क्रिएट करना सीखा था कि स्कालर वैल्यू से सीरीज कैसे क्रिएट की जाती है। तो मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपके अच्छी तरह समझ में आ जाए कि सीरीज स्कालर वैल्यू से सीरीज क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था, तो वो अभी बता देता हूँ आपको कि एक एम्प्टी सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं। एम्प्टी का मतलब जिसमें कुछ भी नहीं हो। तो एम्प्टी सीरीज क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक सीरीज का ऑब्जेक्ट लेंगे। जैसे मैंने एस नाम से एक सीरीज का ऑब्जेक्ट ले लिया। फिर उसके बाद में इंपोर्ट करना नहीं भूलना है, हमें से याद रखना है इंपोर्ट पांडाज एज पी डी, यानी पी डी के रूप में ले लिया। एस के नाम से मैंने वो ये ली है सीरीज ऑब्जेक्ट एज, और यहाँ लिखूंगा मैं पी डी डॉट सीरीज, और फिर मैंने ये पेरेंथेसिस दे दिया। और अब यहाँ पे आप प्रिंट करवा दो, प्रिंट करवाते हो एस को, तो ये एक इम्प्टी सीरीज क्रिएट हो गई। सीरीज में नीचे इम्प्टी लिखा हुआ आएगा और उसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो एम्प्टी सीरीज क्रिएट कर रहे हैं, मतलब आप देख सकते हो पेरेंथेसिस में कुछ भी नहीं दिया है। ये एम्प्टी सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। पिछले साल के जो मॉडल पेपर है उसमें दिया हुआ भी है हाउ टू क्रिएट ए एम्प्टी सीरीज डाटा स्ट्रक्चर, सीरीज डाटा स्ट्रक्चर। तो ऐसे क्रिएट कर सकते हैं एम्प्टी। अब मैंने अभी आपसे कहा कि हम टू टाइप से, दो प्रकार से हम एक सीरीज स्कालर वैल्यू की सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो जैसे आप स्कालर वैल्यू को कोई भी एक वेरिएबल लेकर के उसमें डाल दो, लिस्ट ले लो या फिर कोई ट्यूब को ले लो, आप एक वेरिएबल ले लो। जैसे मैंने एल के नाम से, एल नाम से कोई एक लिस्ट क्रिएट करनी है, तो एल नाम से कोई वेरिएबल ले लिया, और उसके अंदर मैंने उसमें जो दिया हुआ है अपनी बुक में उसके अकॉर्डिंग ही मैं क्रिएट कर देता हूँ। एम
20 और 30 वैल्यू लेकर के मैं एक सीरीज क्रिएट कर रहा हूँ स्कलर वैल्यू से। अपने पास ये स्कलर वैल्यू आ गए, अब हम इसको सीरीज में चेंज कर देते हैं। तो इसको सीरीज में चेंज करेंगे, इसके लिए क्या है, आपको एस इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज लिखना है और उसके बाद में यहाँ लिख देना है इसी चीज़ को। यहाँ जैसे मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको, एस वन के नाम से मैं कोई स्कलर वैल्यू की सीरीज बनाता हूँ, पी डी डॉट सीरीज और ये मैंने पेरेंथेसिस में है, अपनी सीरीज क्रिएट हो गई। और अब मैं प्रिंट करवा देता हूँ इसको, प्रिंट करवाता हूँ मैं एल को, और फिर जो अपना आउटपुट आएगा उसमें जो इंडेक्स नंबर आएंगे वो इंडेक्स नंबर क्या होंगे, 0, 1, 2, क्योंकि इंडेक्स नंबर मैंने दिया नहीं है। और वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 10, 20 और 30, ये वैल्यूज हो जाएगी। ये कितना ईजी है सीरीज क्रिएट करने में। तो एक तरीका तो ये है, एक तो ये है कि आप पहले एक अलग से वेरिएबल लो और फिर उस वेरिएबल को आप पेरेंथेसिस में सीरीज के में पास करवा दो। तो एक तो तरीका ये है, और एक और तरीका है जिससे हम, एक और तरीका है जो मैंने आपको बताया ही था, उस तरीके से भी आप सीरीज क्रिएट कर सकते हो। अभी पेन ले लेता हूँ वापस। और अब देखो दूसरा जो तरीका है, सेकंड जो मेथड है वो क्या है, जो ओरिजिनल अपने बुक में दी हुई मेथड है वो मैंने पहले बताई भी थी, वो डायरेक्ट है। जैसे एस वी के नाम से मैं कोई ऑब्जेक्ट सीरीज ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और यहाँ लिख दूंगा के डी डॉट सीरीज। मैंने क्या कहा था अभी, इम्पोर्ट करना आपको नहीं भूलना है, हमेशा याद रखनी है, सबसे पहले इम्पोर्ट ही करना है उसके बाद सीरीज बनानी है। मैं आपको यहाँ पे पी डी डॉट सीरीज और यहाँ डायरेक्ट आप फिर तीसरी में दे दो, मतलब 10, 20 और 30। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, हमने देखो आप देख सकते हो इसको, हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि हमने इसकी एक लिस्ट बनाई है, मल्टीपल वैल्यूज है। अगर मल्टीपल वैल्यूज आप यूज में ले रहे हो तो आपको उसकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, तो स्क्वायर ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। अगर सिंगल लेते हो तब वो चीज़ अलग है, बाकी अगर मल्टीपल वैल्यू यूज में ले रहे हो तो आपको हर जगह है स्क्वायर ब्रैकेट में ही लेना पड़ेगा। जब हम इनको एक्सेस करेंगे वैल्यूज़ को, तब भी अपने को इंडेक्स नंबर अगर दे रहे हैं हम और मल्टीपल इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग अपने को वैल्यू एक्सेस करनी है, तब भी हमें ध्यान रखना है इंडेक्सिंग में भी, कि वहाँ भी हम जब मतलब इंडेक्स नंबर देंगे तो वो लिस्ट में ही देंगे मल्टीपल इंडेक्स नंबर। तो ये सीरीज एक जो मेन पैटर्न अपने बुक में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये सीरीज क्रिएट हो गई। और अब अपने को क्या करना है, प्रिंट करवा देना है इसको, प्रिंट करवाएंगे एस थ्री को, तो ये अपना आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट में क्या आएगा, अपने 0, 1, 2 वही 10, 20 और कितना ईजी है। तो सीरीज क्रिएट करना अब आपको ईजी वे में आ गया होगा। अब अलग अलग मेथड दिए हुए हैं अपने बुक के अंदर सीरीज क्रिएट करने के, तो हम उन मेथड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले पढ़ा सीरीज को स्कलर वैल्यू से कैसे क्रिएट करते हैं, अभी मैंने आपको एक चीज़ और बताई एम्प्टी सीरीज कैसे क्रिएट करेंगे। पीडी कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे बराबर पीडी डॉट सीरीज, पेरेंथेसिस को खाली छोड़ दो, एम्प्टी सीरीज आ जाएगी। फिर मैंने स्कलर वैल्यू से सीरीज क्रिएट करना बताया आपको, उसके दो पैटर्न बताए, या तो कोई भी वेरिएबल ले लो, वेरिएबल ले करके और आप सीरीज का जो सिंटैक्स है वो लिख करके पेरेंथेसिस में उस वेरिएबल को पास करवा दें, या फिर डायरेक्ट आप पेरेंथेसिस के अंदर भी वैल्यू डाल सकते हो। ये सीरीज स्कलर वैल्यू से कैसे क्रिएट करते हैं ये हमने सीखा। अब हम सीखेंगे कि इंडेक्स नंबर जो है, मैंने आपको, हमने देखा कि इंडेक्स नंबर जो होता है जिसे जो लेबल कहलाता है, वो लेबल टू टाइप्स का बताया था, एक तो यूजर डिफाइंड भी दे सकते हो आप और एक बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। यूजर डिफाइंड में आप किसी भी डेटा टाइप का इंडेक्स नंबर ले सकते हो, ये हमने देखा। तो अभी हम आप देखेंगे हम कि इंडेक्स नंबर कैसे चेंज करते हैं स्कॉलर वैल्यू के अंदर, स्कॉलर सीरीज के अंदर, तो वो हम देखेंगे। तो अभी हम अपनी बुक में चलते हैं वापस, आप देख सकते हो ये मैंने अभी आपको क्रिएट करके बता दिया, सीरीज 1 इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज 10, 20 और 30, ये हमने क्रिएट किया और बता दें 0, 1, 2, 10, 20, 30, ये तो डेटा टाइप। अब नेक्स्ट में चलते हैं, अब ये कह रहा है कि हम इसमें जो डाटा वैल्यूज हैं उनको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं इंडेक्स नंबर।
तो इंडेक्स नंबर कैसे स्पेसिफाई करेंगे वो हम देखेंगे। अब कैसे देखो, यहाँ निकाल रखा है, आप देख सकते हो यहाँ निकाल रखा है कि वी कैन आल्सो असाइन यूजर डिफाइंड लेबल्स टू द इंडेक्स एंड यूज देम टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ ए सीरीज। द फॉलोइंग एग्जांपल हैज इन न्यूमेरिक इंडेक्स इन रैंडम ऑर्डर। देखो इसने दिया है, पहले तो सीरीज क्रिएट कर दी, उसमें लिया है इसने वैल्यू कवि, श्याम और रन, और इंडेक्स लिया है इसने 3, 5 और 1। प्रिंट करवाई सीरीज 2, इसका जो आउटपुट है आप देख सकते हो, इसका आउटपुट देख सकते हो आप, कवि, श्याम, रवि और ये इंडेक्स नंबर इसने यूजर डिफाइन कर दिया, चेंज कर दिया। ये वैल्यू एक वैल्यू का इंडेक्स नंबर है, आप इसकी जगह स्ट्रिंग दे सकते हो, आप इसकी जगह और भी मतलब डेटा टाइप के लेवल का यूज कर सकते हो। इसने क्या किया सीरीज में इंडेक्स, अब मैं एक बार आपको इधर बता देता हूँ तो सीरीज में इंडेक्स कैसे डालते हैं। सीधा सा हिसाब जैसे हमने अभी शुरू में बनाई थी ना वो ही बनाते हैं, अभी जो हमने शुरू में बनाई वो ही सीरीज बनाते हैं। ये बार बार अभी मैं कुछ टाइम तो लिखूंगा लेकिन उसके बाद में फिर आपको याद रखनी है चीज़, है ना, बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़े लेकिन वो आपके रूटीन में आ जाएगी, बार बार इसे लिखो। इम्पोर्ट पांडा एज टी डी और नम पाई फंक्शन का यदि यूज करते हो अरे का इनका तो आप उसमें नम पाई को भी इम्पोर्ट कर सकते हो। अब मैं लेता हूँ एज 4 के नाम से एक मैं सीरीज ऑब्जेक्ट लेता हूँ और एक सीरीज क्रिएट करता हूँ मैं टी डी डॉट सीरीज, टी डी डॉट सीरीज और फिर ये पेरेंथेसिस लिया, पेरेंथेसिस में हमने वैल्यू लिखी 10, 20 और 30। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका इंडेक्स नंबर बाय डिफॉल्ट नहीं लेकर के इसका इंडेक्स नंबर यूजर डिफाइंड लेना चाहता हूँ, तब अपने को कुछ नहीं करना, यहाँ लिखना है इंडेक्स इक्वल, इधर नहीं आ रहा है इधर लिख देता हूँ क्योंकि ये क्या है स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट है, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज हो गए इंडेक्स में मल्टीपल होंगे तो एक इसकी लिस्ट लेंगे। अब ये ध्यान रखना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, जितनी वैल्यूज होगी उतने ही इंडेक्सेज अपने को लेने हैं, उतने इंडेक्स नंबर अपने को, यदि कम ज़्यादा हो गया, यदि एक कम हो गया या एक ज़्यादा हो गया तो एरर आएगी, वो मैंने कल आपको उसके अंदर रन करवा के भी दिखाया था, अभी वो रन करवा के आपको मैं दिखाऊंगा। तो इंडेक्स इक्वल टू मैं यहाँ डालता हूँ जैसे इंडेक्स के अंदर ए बी और सी, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग होने के कारण हम इसको इन्वर्टेड कॉमा ले रहे हैं, और अब इसको मैं पेरेंथेसिस को क्लोज कर देता हूँ और अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट करवाने के बाद प्रिंट करवाएंगे हम एस फोर को और जो अपना आउटपुट होगा वो क्या होगा, आउटपुट ए बी सी और ए बी सी और इसके बाद में अपना आउटपुट होगा 10, 20 और 30। अब आप देख सकते हो इंडेक्स नंबर इसका रिकॉर्ड नहीं करके यूजर डिफाइंड हो गया, चेंज हो चुका है। ये चीज़ें मैंने कल ही बता दी थी आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ सीरीज और डाटा फ्रेम आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए ताकि इसमें किसी प्रकार की आपकी कन्फ्यूजन नहीं रहे, इसलिए ये चीज़ आपको दोबारा बताई जा रही है, ये क्लियर करना चाहता हूँ मैं एक बार। तो अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई इंडेक्स नंबर कैसे देते हैं सीरीज के अंदर यूजर डिफाइंड और इंडेक्स नंबर कैसे हम चेंज कर सकते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो यूजर डिफाइंड इंडेक्स नंबर कैसे देते हैं, लेबल कैसे देते हैं वो हमने सीखा है। अब मैं इसी चीज़ को एक बार आपको कंप्यूटर पे रन करवा के बता देता हूँ। आप देख सकते हो पहले सबसे पहले हम कर रहे हैं और अभी हमने भी सीरीज क्रिएट की प्लेस और मैंने बार बार कहा था एस सीरीज का एस कैपिटल रखना है, ये चीज आपको कभी नहीं बोलनी है, सीरीज का एस कैपिटल नहीं रखोगे, सीरीज का एस कैपिटल नहीं रखोगे तो ये एरर देगा। सीरीज
सीरीज पैंतीस लेते हैं, उसके रिलेटेड में 10, 20, 30 और ये हो गया अपना, ये वैल्यू हो गई। और अब हम इसमें इंडेक्स लेना चाहते हैं, हम लेंगे इसमें इंडेक्स। देखो पहले तो इसी को रन करवा के बता देता हूँ मैं आपको, ये चीज़ हम कल पढ़ भी चुके हैं लेकिन फिर करवा देते हैं एक बार। ये तो हो गई इसमें, आप देख सकते हो 0, 1, 2 बाई डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर है, तो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये एक इंटीजर वैल्यू है और ये वैल्यूज है अपनी 10, 20 और 30। अब हम इंडेक्स नंबर चेंज करते हैं एक बार और, इंडेक्स नंबर चेंज करके देखते हैं। इसी सीरीज के अंदर मैं इंडेक्स नंबर चेंज करता हूँ, कंट्रोल वी, और इसमें देता हूँ इंडेक्स नंबर कॉमा और इंडेक्स इक्वल, और इसमें दे दिया मैंने ए, आप देख सकते हो ए कॉमा बी कॉमा सी और ये मैंने इस पर देखे और ये क्लोज हो गया। अब हम इनसे मारते हैं, अब हम प्रिंट करवाते हैं जो डैशबोर्ड है, तो आप देख सकते हो कि इंडेक्स नंबर चेंज हो चुका है, ए बी सी इंडेक्स नंबर चेंज हो चुका है, ये चीज़ आप देख सकते हो। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, अब इसमें कोई भी आपके पास कंफ्यूजन की वाली चीज़ नहीं रही है, ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। अब हम वापस अपनी बुक की तरफ चलते हैं, बुक में देखते हैं, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये हमने कर दिया। ये यहाँ पे वो उसने बताया है कि हम स्ट्रिंग वगैरह भी इसमें यूज में ले सकते हैं, वैल्यू की जगह स्ट्रिंग का यूज 2, 3, 4 की जगह फरवरी, मार्च और अप्रैल करके उसने बता दिया। अब पढ़ेंगे हम क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम नंपाई अरे, नंपाई अरे से सीरीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ही जिसका वैल्यू से किया वैसे ही मैंने भी बताया था, दो तरीके बताए थे इसका वैल्यू से। एक आप ऑब्जेक्ट ले सकते, पहले एक वेरिएबल ले करके उसको पास करवा सकते हो है? तो ऐसे ही अपने क्या करना है, पहले एक नंपाई अरे क्रिएट करना है और फिर उस नंपाई अरे का जो वेरिएबल है उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको अपने को सीरीज में पास करवा देना है, इतने में अपनी सीरीज क्रिएट हो जाएगी। चलो अभी हम बनाते हैं अरे से, देखो We can create a series from a one-dimensional numpy array as shown below. इसने क्या कर रखा है देखो, हम देख सकते हैं import numpy as np, ये मैंने अभी पहले आपसे कहा था जब भी हम numpy फंक्शन का यूज करेंगे तो अपने को numpy लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ हमने import numpy as np, ये क्या है numpy लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर दिया है। इसमें np बार बार बता रहा हूँ, इसे कहते हैं हम alias name, ये चीज़ें आपको बार बार याद रखनी है, अलाइस में हम कहते हैं। तो np फिर इम्पोर्ट पांडास, पांडा लाइब्रेरी में वर्क करेंगे तो पांडास का इम्पोर्ट करेंगे एक pd के रूप में। फिर क्या किया है, सबसे पहले एक अरे क्रिएट कर दिया, अरे क्रिएट करना हमने लास्ट ईयर सीख लिया था, वन डायमेंशनल कैसे क्रिएट करते हैं और टू डायमेंशनल कैसे क्रिएट करते हैं, दोनों हमने लास्ट ईयर देखा था, ऑफलाइन क्लासों के अंदर पढ़े थे और उनके ऊपर फंक्शंस भी किए थे हमने, मैथमेटिकल फंक्शन वगैरह किए थे। तो अरे सबसे पहले अरे वन के नाम से कोई ऑब्जेक्ट लेकर के एक np डॉट अरे और ये अरे क्रिएट कर दिया, मल्टीपल वैल्यूज है। सीरीज फिर हम उससे अरे से सीरीज क्रिएट करेंगे, सीरीज 3 कुल pd डॉट सीरीज और अरे वन के नाम से हमने उसके वेरिएबल को पास करवा दिया है यहाँ पे और अब प्रिंट करवाते हैं सीरीज 3 को। तो इसका जो आउटपुट है अपने पास में आप देख सकते हो 0, 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 4 वैल्यूज हैं और देखो इंटीजर ग्रेट है। अब इसी को मैं उधर करके बताता हूँ, यहाँ करते हैं अपने हिसाब से, आपको और अधिक समझ में वो चीज़ आ जाएगी जो बुक में दी हुई है, वही चीज़ अब आपको और अधिक समझ में आ जाएगी। क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम ए नंपाई अरे, नंपाई अरे से सीरीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम, तो उसके लिए हम करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे हम
क्योंकि नंपाई एरे का यूज कर रहे हैं तो नंपाई फंक्शन को इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट, सबसे पहला जो वर्क होता है ना सीरीज क्रिएट करते हैं तो वो इंपोर्ट करना होता है, चाहे पंडा को करो चाहे नंपाई को। इंपोर्ट नंपाई एज एन पी, इंपोर्ट पांडाज एज पी डी, इंपोर्ट पांडाज, इंपोर्ट नंपाई एज एन पी, इंपोर्ट पांडाज एज पी डी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक अरे क्रिएट करेंगे, तो मैं ए डबल आर वन के नाम से एक ये अरे क्रिएट कर देता हूँ। वहाँ अरे वन के नाम से, हम यहाँ डबल आर वन के नाम से कर देते हैं। अरे का एक ऑब्जेक्ट ले लिया और अरे क्रिएट करता हूँ मैं एन पी। एन पी क्या है, अलाइस नेम एन पी डॉट अरे। अरे की स्पेलिंग याद रखनी है डबल आर ए वाई। अगर एक भी कैरेक्टर या मिस्टेक करते हो तो एरर आता है। एन पी डॉट अरे और फिर ये पेरेंथेसिस, इसमें ये ले लिया हमने लिस्ट और लिस्ट के अंदर हमने वैल्यू डाल दी। वहाँ वन टू थ्री फोर डाल दिए, हम डाल देते हैं टेन ट्वेंटी थर्टी और फोर्टी हम इसमें डाल देते हैं और हम इसको पेरेंथेसिस को क्लोज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सीरीज क्रिएट करेंगे। एक सीरीज ऑब्जेक्ट ले लेते हैं एस फाइव के नाम से और फिर यहाँ लिखेंगे हम पी डी डॉट सीरीज, सीरीज का एस कैपिटल रखना है और फिर पेरेंथेसिस में हम दे देते हैं अरे वन। अपना जो अरे का ऑब्जेक्ट है उस अरे वन को, ए डबल आर वन को हम दे देते हैं। अब हम जैसे ही प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट किसे करवाएंगे, सीरीज के ऑब्जेक्ट को। सीरीज का ऑब्जेक्ट क्या है, एस फाइव, और इसको प्रिंट करवाते हैं। अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या होगा, इंडेक्स नंबर होगा जीरो वन टू थ्री बाई डिफॉल्ट और यहाँ लेंगे हम टेन ट्वेंटी थर्टी और फोर्टी। अब ये उधर भी हमने बुक में देखा यही चीज़ है, अब इसको एक बार मैं उस पर भी रन करवा के आपको पाइथन के अंदर बता देता हूँ और अच्छी तरह से वो चीज़ आपके समझ में आ जाएगी। देखो ये ठीक है, अब देखते हैं इस पर हम रन, देखो कैसे क्रिएट करेंगे। ये पाइथन सेल में नहीं प्रोग्रामिंग डायरेक्टिव बनाएंगे, इम्पोर्ट नंपाई, क्योंकि नंपाई फंक्शन का करेंगे नंपाई एज एन पी, एंटर, इम्पोर्ट पांडाज का भी पांडाज एज पी और फिर एंटर करेंगे। अब हमने जो भी बनाया वो कवर बनाते हैं। सबसे पहले हमने ए ए डबल आर के नाम से एक वेरिएबल दिया और उस ए डबल आर वन के नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर हमने एन पी डॉट अरे और इसके बाद हम लिखते हैं पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस में स्क्वायर ब्रैकेट, टेन ट्वेंटी थर्टी और फोर्टी स्क्वायर ब्रैकेट और ये हमने कर दिया इसको क्लोज और अब हम एंटर मारते हैं और अब हम सीरीज क्रिएट कर देते हैं। और सीरीज में हमने क्या किया था, एस फाइव के नाम से एक ऑब्जेक्ट लिया था, एस फाइव का ऑब्जेक्ट ले लिया पी डी डॉट पी डी डॉट सीरीज, सीरीज का एस कैपिटल रहेगा, ये कर दिया हमने एरे के ऑब्जेक्ट को इसमें पास और ये बन गई अपनी सीरीज। सीरीज क्रिएट होने के बाद हम प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट के अंदर हम ले लेंगे एस फाइव को और एस फाइव को प्रिंट में लेने के बाद हम अब इसको हम रन करवा देते हैं। रन कैसे करवाएंगे, यहाँ रन पे जाना है, रन मॉड्यूल पे क्लिक करना है, इसको पहले सेव करना है, ये सेव कर देते हैं हम। इस नाम से करेंगे सीरीज विद नंपाई एरे, क्योंकि यहाँ पे ये जो मोड है इसके अंदर, मतलब कंपाइलिंग जो मोड है उसके अंदर जब तक सेव नहीं करोगे
तब तक वो रनिंग रहेगी थी नंबर सीरीज भी थी नंबर अरे के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया और ये रन हो गई। अब देख सकते हो आप 0, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40 अपनी वैल्यू आ गई और एक नंपायर ऐसे ये सीरीज क्रिएट हो चुकी है आप देख सकते हो। अब आप चाहो तो हम इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हमने अभी जो सीरीज बनाई है उसमें आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर लिया हुआ है। अब हम इसमें इंडेक्स नंबर भी चेंज करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स नंबर इसमें चेंज कर सकते हो। यहाँ ले आओ, यहाँ कॉमा लगाया और यहाँ लिखिए आपने इंडेक्स इक्वल और यहाँ इस पर ब्रैकेट दो, इसके अंदर हम डाल देते हैं मतलब जैसे जे ए एन है ना और कॉमा एफ ई बी एफ ई बी कॉमा और एम ए आर कॉमा ए पी आर। तो अब हम इसको जब तक आप इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लोगे तब तक मिस्टेक देगा। अब हम इन पर इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं। अब ये इन्वर्टेड कॉमा लगाते ही मैंने करने के लायक हो गया। तो यहाँ हम लगाएंगे फिर ब्रेकेट, ये हो गया अपना इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर हमने ये ध्यान रखना है, मैंने बार बार बताया इतनी वैल्यू लिए उतने इंडेक्स नंबर अपने को लेने हैं। अब इसको सेव करते हैं लेस। अब हम इसको रन करवाते हैं तो आप देख सकते हो ये जो इंडेक्स नंबर है वो चेंज हो गए और ये आ गया 10, 20, 30, 40 वैल्यूज हैं जिन्हें अभी 5 जनवरी, 5 फरवरी, 5 मार्च के नाम से ये चेंज हो चुका है। तो अब ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी इसका लेवल से कैसे क्रिएट करते हैं सीरीज वो हमने समझ लिया और ऐसे कैसे क्रिएट करेंगे पहले अरे करेंगे और अरे के ऑब्जेक्ट को उसमें पास करवा देंगे। तो ये चीज़ भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। अब नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्या है बुक में चलते हैं। ये हमने कर दिया एम्पियर है, ये मैंने आपको अच्छी तरह इसको आप समझा दिया है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी ये इंडेक्स नंबर एरे के अंदर डाल करके और उसको समझा रखा है। When index levels are passed with the array, then the length of the index and array must be the same size. यही चीज मैं आपको बार बार बता ही रहा हूँ कि जब भी आप इंडेक्स लेवल पास करोगे तो है ना तब उनकी जो लेंथ है लेंथ ऑफ द इंडेक्स एंड अरे मस्ट बी ऑफ द सेम साइज। ये ध्यान रखना है दोनों की लेबल की इंडेक्स नंबर्स की इंडेक्स के एलिमेंट्स की और वैल्यूज वैल्यूज जो है उनकी दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए। लेंथ सेम नहीं होगी तो एरर आएगी। वो एरर कैसे आएगी वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि एरर कैसे आएगी उसके अंदर अभी मैं आपको बताता हूँ कि एरर कैसे आएगी। वो ये भी आपको पता होना चाहिए जैसे मैं इंडेक्स नंबर मैंने 4 दे दिए मैं क्या करता हूँ इंडेक्स नंबर को हटा देता हूँ कंट्रोल एस करता हूँ और जब मैं इसको रन करवाता हूँ तो देखो आप देख सकते हो एरर आ चुका और एरर क्या है लिखा हुआ है लेंथ ऑफ पास्ट वैल्यूज इज 4 इंडेक्स इंप्लाइज 3। देखो देख सकते हो यहाँ पे इंडेक्स लेंथ ऑफ पास्ट वैल्यूज इज 4 एंड इंडेक्स इंप्लाइज 3। इंडेक्स तो 3 है इंडेक्स जो है उनकी लेंथ तो 3 है वैल्यूज की लेंथ 4 है इसलिए यहाँ क्या हो गया एरर आ गया। तो अब ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ क्लीन कर देता हूँ बोर्ड को। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं अपने बुक के अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है अपना उसमें हम चलेंगे क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी। एक डिक्शनरी से सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं बहुत ईजी। जैसे हमने अरे से क्रिएट किया वैसे डिक्शनरी से पहले हम एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। डिक्शनरी का जो ऑब्जेक्ट है या वेरिएबल है उसको हम सीरीज के अंदर पास करवा देंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है डिक्शनरी के बारे में पढ़ चुके हैं। डिक्शनरी क्या होती है लास्ट ईयर हमने पढ़ा डिक्शनरी एक की वैल्यू का कॉम्बिनेशन होती है। तो यहाँ क्या है ये ध्यान रखना है बिकॉज दैट पाइथन डिक्शनरी हैज की वैल्यू। पाइथन डिक्शनरी में क्या क्या होता है की वैल्यू होती है की वैल्यू के पेयर्स होते हैं एंड
ए वैल्यू कैन बी क्विकली रिट्रीव्ड व्हेन इट्स की इज नाउन, जब उसकी की नाउन होगी तभी उसकी वैल्यू रिट्रीव की जा सकती है, की अननाउन होगी तो वैल्यू नहीं की जा सकती। ये ध्यान रखना है, की का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, इंडेक्स। सीरीज में दो चीजें होती है, इंडेक्स और वैल्यू। की का मतलब क्या हो जाएगा, इंडेक्स, और वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, वैल्यू। तो की वैल्यू का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, अपना इंडेक्स और वैल्यू सीरीज में हो जाएगा। अब आप आराम से, ए वैल्यू कैन बी क्विकली रिट्रीव्ड व्हेन इट्स कीज नाउन, ये ध्यान रखना है। डिक्शनरी कीज कैन बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स फॉर ए सीरीज, कीज जो है किसके लिए यूज मिली जाएगी, इंडेक्स के लिए, कीज इंडेक्स कवर करेगी। एज शोन इन द फॉलोइंग एग्जांपल हियर कीज ऑफ द डिक्शनरी DICT1 बिकम इंडिक्स इन द सीरीज। अब आप देख सकते हो इसमें एक सीरीज बताई भी रखी है, इस सीरीज में क्या हो रखा है, एक डिक्शनरी क्रिएट कर रखी है DICT1, और उसके अंदर इंडिया, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, यूके की कैपिटल लंदन, और फिर जापान की कैपिटल टोक्यो, और फिर प्रिंट करवा दिया DICT1। आप उसको प्रिंट भी करवा सकते हो, नहीं करवाना चाहो तो डायरेक्ट इसमें भी पास करवा, सीरीज क्रिएट की PD.Series सीरीज एट नाम से, और डिक्शनरी को उसमें पास करवा दिया, प्रिंट करवाते हैं, ये जो है वो और कर गया। तो इस चीज़ को हम अब इधर समझ लेते हैं तो वो और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी वो चीज़। मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कैसे एक डिक्शनरी से हम सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट इंपोर्ट ऑनडार एज ई, है ना। अब इसके बाद में क्या करेंगे, एक वहाँ जो बना रखी है वही बना लेते हैं, DICT के नाम से एक डिक्शनरी क्रिएट कर देंगे, DICT1 के नाम से एक डिक्शनरी क्रिएट कर देते हैं, और उस डिक्शनरी के अंदर हम, डिक्शनरी में हमेशा याद रखना है, ये हमने पढ़ा भी है, डिक्शनरी में हमेशा कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है, ट्यूपल में पेरेंथेसिस का यूज़ किया जाता है, और लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है। तो हम बना रहे हैं डिक्शनरी तो किसका यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अब इसमें हम लिखेंगे की वैल्यू का कॉम्बिनेशन, तो सबसे पहले हम की लिखते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं जिसे उसमें लिखा हुआ है, वो क्यों लिख देते हैं, इंडिया, और फिर हम क्या करेंगे, कोलोन का यूज करते हैं की और वैल्यू दोनों के बीच में, डिक्शनरी में ध्यान रखना है, डिक्शनरी में की और वैल्यू के बीच में, किससे की वैल्यू को सेपरेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, कोलोन का। इंडिया, इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली, न्यू दिल्ली। फिर हम कर देते हैं यहाँ पे यूके, यूके की कैपिटल क्या होगी, यूके की कैपिटल होगी लंदन, लंदन होगी। और इसके बाद में ये ध्यान रखना है, ये स्ट्रिंग है, इन्वर्टेड कॉमास में आएगी नहीं तो एरर आएगा, ये भी ध्यान रखना है। लंदन आ गई, और USA अमेरिका, उसकी जो है वो क्या है, वाशिंगटन, वाशिंगटन DC है, वाशिंगटन, ये हो गई वाशिंगटन, ये बन गई अपने क्या है, ये डिक्शनरी, एक डिक्शनरी बना दी हमने DICT1 के नाम से। अब इस डिक्शनरी के वैल्यू है उसको हम पहले एक सीरीज बनाएंगे, S7 के नाम से एक सीरीज बना लेते हैं, PD.Series, और फिर PD.Series, ये नीचे वाली डॉट, PD.Series पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस के अंदर S7 के नाम से, पेरेंथेसिस के अंदर हम क्या करेंगे, DICT1 को इसमें डाल देते हैं। अब हम अपने डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है, मतलब सीरीज क्रिएट हो चुकी है S7 के नाम से, अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट S7। आप चाहो तो यहाँ अपने कोमा लगा के इंडेक्स इक्वल टू करके आप मतलब इसे डिपेंडेंस भी दे सकते हो। अब इसमें जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ये ध्यान रखना है, इंडेक्स तो क्या होंगे, की, तो यहाँ इंडेक्स में आ जाएगा इंडिया, और फिर आ जाएगा UK और USA, और फिर इसका जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी इंडिया की, यहाँ तो आ जाएगा न्यू दिल्ली, वैल्यूज में रहेगा न्यू दिल्ली, लंदन US, और इसका आ जाएगा लंदन, USA का रहेगा वाशिंगटन, वाशिंगटन। ये डिक्शनरी से सीरीज क्रिएट करना
मैं बता चुका हूँ आपको, आप मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं इसको रन करवा के भी आपको बता देता हूँ एक सीरीज बना करके, ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा और आपको अच्छी तरह से ये सीरीज क्रिएट करना भी आ जाएगा। अब हम क्रिएट करते हैं एक सीरीज डिक्शनरी से, न्यू फाइल ले लेते हैं, न्यू फाइल ले लेते हैं, और न्यू फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट नंबर पेज पी और डिक्शनरी PICT1 के नाम से डिक्शनरी ली हमने, और इसमें यूज किया हमने कर्ली ब्रैकेट का, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने सबसे पहले लेना है इंडिया, और इंडिया के साथ में लेना है कोलन, और इंडिया क्या है न्यू न्यू दिल्ली, और इसके बाद में कॉमा, और इसके बाद में यूके, यूके की है, यूके की है लंदन, लंदन यूके की है लंदन, और इसके बाद में आया यूएसए, और यूएसए की है वाशिंगटन, वाशिंगटन। तो ये अपने हम इसको क्लोज करेंगे, और इसमें हमने क्या किया, अभी तक इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाए, जो हम इन्वर्टेड कॉमा लगाते चलते हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में इन्वर्टेड कॉमा कंपलसरी है, तो हम इन्वर्टेड कॉमा इसमें लगाते हुए चलेंगे, यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा लगेंगे लगा देंगे, और ये इन्वर्टेड कॉमा हमने लगा दिया, और ये हमने इसको लगा दिया, और इसको लगा दिया इन्वर्टेड कॉमा, और ये यूएसए, और ये वाशिंगटन, और ये वाशिंगटन के लिए हमने लगा दिया कॉमा। तो आप देख सकते हो ये इंडिया न्यू दिल्ली यूके लंदन, यहाँ पर लगेगा इंडिया कॉमा। अब हो गया अपना सीरीज डिक्शनरी के लिए, और अब हमने बनाई थी जैसे उनके नाम से एक सीरीज, और इसमें हमने डाला पी डी फ्लोर सीरीज और पेरेंथेसिस और DICT1, और हम करेंगे क्लोज, हमने कर दिया इसको क्लोज एंटर, और हम करेंगे PRINT। जब तक आप प्रिंट नहीं करवाओगे सीरीज को, तब तक इसका आउटपुट आपको प्राप्त नहीं होगा। अब हम इसको सेव करते हैं सीरीज, सीरीज विथ डिक्शनरी, सीरीज विथ डिक्शनरी के नाम से हम इसको सेव करते हैं। अब हम रन करवाते हैं इसको। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको नीचे नीचे अच्छी तरह देख सकते हो। अब देखो आप सीरीज क्रिएट हो चुकी है अपनी, और इसमें देखो इंडिया यूके यूएसए ये तीनों क्या हैं, ये तीनों की हैं, और न्यू दिल्ली लंदन और वाशिंगटन ये क्या है वैल्यूज हैं। तो डिक्शनरी की जो कीज थी वो की हो गई, वैल्यूज क्या हो गई, उसकी वैल्यूज बन गई, की जो है वो तो इंडेक्स नंबर बन गए, उसकी वैल्यूज यहाँ पे वैल्यूज हो गई। तो आज की क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं। अब हम कल कलम पढ़ेंगे एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ ए सीरीज, एक सीरीज से एलिमेंट्स कैसे एक्सेस करते हैं, तो वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। एक चीज़ आपको और करनी है कि मैं आपको व्हाट्सएप पे होमवर्क की क्वेश्चंस आपके उस पर डाल दूँगा व्हाट्सएप पे, तो उन होमवर्क के लिए आप क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, एक होमवर्क की नोटबुक तैयार करनी है, उसके अंदर उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, फिर उसको मतलब इमेज लेकर के पीडीएफ बना करके उसको आपको ग्रुप पे वापस डाल देनी है, उसकी प्रिंट निकाल करके मैं यहाँ आपके पोर्टफोलियो में लगा दूँगा जो आपके काम में आएंगे। और हर सप्ताह हम एक टेस्ट लेंगे, तो अपना जो टेस्ट होगा वो होगा कल, अर्थात संडे को अपना टेस्ट होगा, जो हमने इस वीक के अंदर पढ़ा है उस वीक के पढ़ी हुई मैटर का हम कल
टेस्ट लेंगे जो गूगल फॉर्म के रूप में होगा। उसके लिए मैं आपको व्हाट्सएप पे अधिक जानकारी जो भी है डिटेल से व्हाट्सएप पे डाल दूँगा। स्टूडेंट्स, आप इन वीडियोस को देख रहे हो, अगर इन वीडियोस में कोई इम्प्रूवमेंट हो, आपको लगता हो कि ये इम्प्रूवमेंट और किया जा सकता है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी कमेंट करके वो बता सकते हैं, ताकि अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो मैं उसको सुधार सकूँ। थैंक यू।